करना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के जिला बाराबंकी में बड़ा ऐलान किया। सुनिए का कुछ कहा अपने भाषण में। ये उस दृष्टि की रक्षा में भी अपने आप को बना सके, आप सबका मैं इसके लिए आह्वान भी करूंगा। भाई बहनों, आप सब जानते हैं इस वर्ष का पर्व महोत्सव का कार्यक्रम हम लोगों ने महादेवा के निर्देश से भी चुना, क्योंकि चुनाव के दौरान जब हम लोग आए थे तो मुझे एक बात की शिकायत मिली थी उस समय कि इस क्षेत्र में भेदभाव होता है और भेदभाव का शिकार उस समय यहाँ पर वो स्तंभ थे, एक जगह बिजली मिलती थी एक जगह बिजली नहीं मिलती थी। हम लोगों ने तय किया कि पूरे प्रदेश में विद्युत वितरण में या शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव न हो, इसके लिए सामाजिक भेदभाव के खिलाफ इस देश के अंदर जो सशक्त आवाज हुई थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, उनकी जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 2017 में हम लोगों ने पूरे प्रदेश में विद्युत वितरण की समान व्यवस्था की कि हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे बिजली देंगे, तहसील मुख्यालयों को हम लोग 20 घंटे की विद्युत की आपूर्ति करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में 17 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हम लोग करेंगे और विद्युत आपूर्ति के भेदभाव को समाप्त करके आज हम सब यहाँ पर आए हैं भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए और महादेवा पर्यटन विकास के क्षेत्र पर उभर करके सामने आ जाए, यहाँ पर लोगों को पर्यटन के बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो जाए, इसके लिए आप सबको आश्वस्त करने के लिए विशेष रूप से यहाँ पर आया हूँ। आपको बता दें इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान, सांसद प्रियंका सिंह रावत समेत सभी बीजेपी विधायकों ने हेलीपैड पर सीएम योगी का स्वागत किया। सीएम योगी के साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। SP9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।